कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो प्यारी वर्स आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें और अपने घरों में आबाद रखे। और अगर कोई भी गम या तकलीफ़ आप सब लोगों की ज़िंदगी में है तो अल्लाह ताला उसे निजात दे। तो हम सब के लिए हमेशा यही दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने घरों में आबाद और खुश रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होगी, तो आप सब लोगों ने हमारी वीडियो से जुड़े रहना है और हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। और जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप सब लोगों की सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं। और आज तक आप सब लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो आगे भी आप सब लोगों के साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियो आप सब लोगों से शेयर कर सकूँ। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैं बाहर खड़ी हूँ, तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो भी आप सब लोग से शेयर करेंगे। तो आज हम क्या बना रहे हैं ये आपको बताएंगे भी, और साथ साथ हम किस तरह से बनाते हैं ये भी बताएंगे, और साथ में हम तंदूर की रोटियां भी बनाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने हमें यही कहा है कि हमें तंदूर की रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप हमें तंदूर की रोटियां बना के दिखाएँ। तो इंशाल्लाह आज हम तंदूर की रोटियां भी बनाएँगे। तो अभी मैं आपको बाहर का माहौल भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से मौसम जो है ना अच्छा है, लेकिन गर्मी है क्योंकि शाम का टाइम है, हवा रुक गई है। इस टाइम हवा रुक जाती है, सुबह के टाइम कुछ हवा होती है। तो अभी जो है ना मगरिब होने को है, टाइम काफ़ी हो गया है, तो मैंने सालन भी बनाना है और रोटियां भी बनानी है, टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो अभी मैं अंदर चलती हूँ और उससे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाती हूँ। ठीक है प्यारे बस, ये देखें शाम के टाइम में यहाँ का मौसम नज़ारा कितना ही खूबसूरत लगता है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, कपास देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये दरख्त देखें। तो असल में जो शहरों में रहते हैं उन्हें गांव देखने का बहुत ही शौक होता है। और ये देखें बिल्कुल शाम हो चुकी है, और ये कुछ हमने कपास की वो घास की बिजाई की है कल शाम को। तो अभी हम अंदर चलते हैं जी। तो प्यारे बस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम आप सब लोगों से रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो ये देखें ये है चने की दाल। तो मैंने तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया इसको जो है ना पानी में उबलने के लिए छोड़ा है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें मैंने प्याज अभी डाले हैं, तो प्याज भी इसमें मिक्स हो जाएंगे गल जाएंगे। तो फिर हम इसमें कुछ खुश्क मसाले भी डालेंगे और इसमें कुछ टमाटर वगैरह वो भी डालेंगे और फिर हम इसको बनाएँगे। तो इस पर मैंने मोटी लकड़ी डाली है क्योंकि ये आम लकड़ी से जो है ना गलेगी नहीं, इसलिए मोटी लकड़ी डाली है हमने इसमें। तो अभी जो है ना हमारी दाल गल रही है, तो थोड़ी देर में दाल गल जाएगी। तो मैंने सोचा तब तक आटा गूंथ दूँ, क्योंकि जब दाल गल जाती है तो तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे वो सालन तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ मसाला जो है ना अच्छी तरह से तैयार करना है, फिर दाल हमारी गली हुई होगी तो हम उसमें दाल से जो है ना थोड़े देर के लिए पकाएँगे फिर उतार देंगे। तो आज वैसे काम भी बहुत ज़्यादा था सुबह से, ये देखें मैंने कपड़े इतने सारे धोए गर्मी में। देर में मैं मिसाले तैयार करूँ, तब तक जो है ना हमारी दाल भी बिल्कुल गल जाएगी। तो फिर हम उसको जो है मिसाले तैयार करके फिर हम उसमें दाल डाल के लगाएंगे। है ना हमारी जो दाल है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गल चुकी है, ये देखें। तो अभी हम इसको उतारते हैं। और इसको मैं अलहदा निकाल के रख दूँगी। मैं इसमें घी डाल के दोबारा से इसको परखूंगी। कुछ देर के लिए घी गर्म हो जाए। ये क्या बता
भी गर्म हो गया क्योंकि बहुत तेज नीचे आ गए क्योंकि काफ़ी मोटी लग रहे हैं। तो अब हम इसमें टमाटर हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसमें ये लहसुन जो हमने पीस के रखा है ये भी डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच नमक हम डालेंगे। इस मसाले को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ये दाल जो है ना, इसका जो पानी होता है ये भी हमने नहीं निकालना क्योंकि ये अच्छी तरह से हमने पहले इसको साफ़ करके धो के फिर हमने इसमें डाला था। अब हम ये इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो कुछ देर के लिए अब हम इसको पकाएंगे। नाराज ना तो सौ पाओ मैं बस पका गई दह मिनट सबर करो बस बढ़ गई मैं लेकिन तो मैंने सालन बना लिए और घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं मुझ पर कि सुबह से खाना बना रहे हो। असल में आज गर्मी बहुत थी तो मैंने इनसे कहा है बस थोड़ा सब्र कर ले, मैंने खाना बना लिया है तो मैं रोटी भी बना लेती हूँ। मैं थोड़ी जी खराब कर दी जल्दी तो आज तक माफ कर देते भेज रहे मैं माफ का ना करे सा चलो तो जी एंदो बात करना करे सा चलो आज तो माफ कर दी बड़ी मुश्किल से हो गई यार तो मेरे लिए लेकिन मेरी भी गलती है मुझे जल्दी खाना बनाना चाहिए था क्योंकि इन सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने इनसे माफ़ी मांग ली। इंशाल्लाह आइंदा जल्दी कोशिश करूँगी कि जल्दी खाना बनाऊँ। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि बस घर और फैमिली को खुश रखना बहुत ही मुश्किल होता है इनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाना, लेकिन मुझसे आज गलती तो हुई है लेकिन मैंने सबसे माफ़ी मांग ली आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो आप सब लोगों ने हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना है और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।